गुलदार गया था, गुलदार परोस में टांग आगे से गया था, इनकी टांग को पकड़ के हम तेज भग गए। ये गुलदार से थोड़ा ज्यादा तेज है। तो अभी आगे इनका सामना टाइगर से होगा। अच्छा, उसके बाद लायन से होगा। पेड़ की ऊंचाई बताओ, मैंने कितनी हुई तेरे हिसाब से पेड़ की ऊंचाई? ये ऊंचाई है इस पेड़ की, अब इधर से जो रास्ता है ये वाला क्लब हाउस और मनु टेम्पल जाएगा, और ये रास्ता हडिम्बा देवी मंदिर के लिए जाता है। तो फ्रेंड्स, ओल्ड मनाली में खड़े हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, जनवरी का महीना है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं ना, इंडिया में सिर्फ तीन है, एक गोवा में है, एक नोएडा में है, और अब मनाली में भी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मनाली के टॉप 5 लोकल साइट सीन के बारे में। अगर आप मनाली आते हैं तो इन 5 जगहों पर जरूर जाइएगा, आपका मनाली का लोकल टूर बहुत शानदार रहेगा। लिस्ट में नंबर 5 पर है मनाली का मॉल रोड। मॉल रोड पर आ गए हैं और जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है। थोड़ी कल से ठंड कम है ना भैया? ठंड थोड़ी कम है, लेकिन रश कल से भी ज्यादा है, कल से रश ज्यादा है। और मॉल रोड पे घूमने का मजा भी ना शाम को ही आता है। ये है कि बर्फ का मजा ले लिया और अब रश का, अच्छी खासी भीड़ है मॉल रोड पर। सही, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त क्रेज है लोगों के मन में विंटर में मनाली आने का। विंटर में आने का फायदा ये है, स्नोफॉल मिल जाती है, कई बार लाइव मिल जाते हैं, नहीं भी मिल जाते, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर अच्छी खासी आपको बर्फ देखने को मिल जाए। बिल्कुल विजिट कीजिए। आगे जाते जाते और तो फ्रेंड्स, रात के 9 बजे हुए हैं और मैं अभी मनाली के मॉल रोड पर हूँ। रात के 9 बजे भी यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि पूरा मॉल रोड लगभग हाउसफुल है, और मॉल रोड को डेकोरेट किया गया है। आप देख भी रहे होंगे काफ़ी सारी झालर वगैरह यहाँ पर लगाई गई हैं। उसका कारण ये है कि इस वक्त मनाली में विंटर कार्निवल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे मॉल रोड को डेकोरेट किया गया है। मैं कुछ फेस्टिवल की आपको झलक भी दिखाता हूँ। यहाँ पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा लोग इस फेस्टिवल को देखने के लिए इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग फेस्टिवल को देखने के लिए मनाली में मौजूद हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के काफी लोग हिस्सा लेते हैं और अपनी अपनी हुनर का प्रदर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त मनाली में मौजूद हैं हम लोग, होटल की बालकनी में ही खड़े हैं। सुबह के 11:30 हो रहे हैं। लेट हो गए आज, क्योंकि कल रात लेट सोए थे, सोचा आज मॉर्निंग लेट ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मनाली घूमने निकल रहे हैं हम लोग, ओल्ड मनाली कवर करेंगे आज। और मनाली जो कवर करेंगे आज, हम पैदल कवर करेंगे और पैदल कवर करने का सही तरीका क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ के खूबसूरत फोटोज़ देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिए। इन सब के साथ एक इन्फॉर्मेशन और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप मनाली घूमना चाहते हैं तो अब MS ब्लॉगर के थ्रू आप मनाली घूम सकते हैं। टूर पैकेज शुरू हो चुके हैं, बुकिंग शुरू हो चुकी है, बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। मेरा ही नंबर है, जो नंबर है मोहित जी का है, मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छे टूर पैकेज हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। रीजनेबल प्राइस में बेस्ट सर्विस आपको MS ब्लॉगर के थ्रू मिलने वाली है। अच्छे होटल, अच्छी सर्विस, अच्छा फूड और साइट सीन भी बेस्ट तरीके से कराए जाएंगे। आप अपने टूर पैकेज अपने आप से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। जैसे 3 दिन 4 दिन का टूर होता है, 5 दिन का टूर होता है, उस हिसाब से आप अगर कम समय है तो कम समय के हिसाब से भी उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। वॉल्वो से करना चाहते हैं वो कर लीजिए, खुद की अब पर्सनल टैक्सी लेना चाहते हैं उसके थ्रू कर लीजिए। अगर आप कपल भी हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। फ्रेंड्स का ग्रुप है उसके लिए भी बेस्ट रहेगा, और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट इस बार मनाली में आपके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, देर मत कीजिए यार, विंटर का है, सर्दियाँ हैं, बर्फ आपको देखने के लिए मिलेगी, तो बुक कर दीजिए, बात कीजिए मोहित जी से। मौका मिल रहा है MS ब्लॉगर से बात करने का। तो ठीक है, निकलते हैं, आज घुमाते हैं आपको ओल्ड मनाली। और सेलिब्रिटी तो दिन में एक बार हम आ गए हैं मॉल रोड पर, देख रहे हो दिन में भी जबरदस्त भीड़ है। 12:15 बजे हुए हैं अभी, उधर बस स्टैंड है मनाली का। तो रात में तो मॉल रोड बहुत घूमे, दिन में कैसा लग रहा है? दिन में तो और अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके। भीड़ भाड़ तो दिन में भी जबरदस्त है,
भीड़ भाड़ अच्छी है, शॉपिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, और तो मार्केट में यहाँ पे लेट खुलती है भैया? 10 बजे के बाद खुलता है मार्केट। खुलती है मार्केट यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं हम लोग ओल्ड मनाली की तरफ। अच्छा, मनाली के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसके एक साइड में ना वन विहार है, पूरा जंगल है, वो वन विहार देखने लायक जगह है, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये है मनाली का वन विहार, और मनाली के ना एक साइड में वन विहार है। मनाली में कहीं भी घूम लीजिए, एक साइड में वन विहार देखने के लिए मिलता है। और ये रोड है सर्किट हाउस रोड, यहाँ से ओल्ड मनाली के लिए भी निकल जाते हैं, हडिम्बा मंदिर के लिए भी निकल जाते हैं, और क्लब हाउस मनु टेम्पल वहाँ भी जाया जा सकता है। अभी सामने ये जो गेट आया है ना, इस गेट के बाद एक डाइवर्जन पॉइंट है जहाँ से हडिम्बा टेम्पल और क्लब हाउस के लिए अलग अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। अब इधर से जो रास्ता है ये वाला क्लब हाउस और मनु टेम्पल जाएगा, और ये रास्ता हडिम्बा देवी मंदिर के लिए जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से दूरी, हडिम्बा टेम्पल 1.5 किलोमीटर, याल महादेव टेम्पल 1 किलोमीटर, क्लब हाउस इधर से 1.5, और मनु टेम्पल 2.5 है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर रखता हूँ मैं मनाली के फेमस हडिम्बा मंदिर को। हडिम्बा मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप चाहें तो गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं, जो लोकल साइट सीन कराती हैं टैक्सी उनके थ्रू भी डायरेक्ट मंदिर तक आया जा सकता है, और पैदल के लिए भी एक अलग रास्ता यहाँ के लिए बना हुआ है। अभी मैं मंदिर के पास ही मौजूद हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, पूरे ही साल यहाँ टूरिस्ट ज़रूर आते हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट है मनाली से थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई पर है, क्योंकि एक छोटी सी पहाड़ी पर यह मंदिर बसा हुआ है। मंदिर बहुत प्राचीन है, मंदिर के बारे में पूरा इतिहास मंदिर के सामने ही लिखा गया है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही हडिम्बा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं कैमरा अंदर नहीं लेकर जा पाऊंगा। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, यहाँ पर हिमाचल की कुछ महिलाएं स्ट्रॉबेरी सेल कर रही हैं। हडिम्बा देवी मंदिर के ठीक पीछे की तरफ एक वन विहार है जिसे डुंगरी वन विहार के नाम से जाना जाता है। इसमें एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जिसमें एडल्ट के लिए टिकट 10 रुपये का और 8 साल से छोटे बच्चे का टिकट 5 रुपये रहता है। वन विहार काफ़ी अच्छी जगह, देखने लायक जगह है। मनाली की अगर मैं बात करूँ तो मनाली में डुंगरी वन विहार या ये जो पूरा वन विहार है, इसको घूमने के कई अलग अलग पॉइंट हैं। एक माल रोड पर भी है, वहाँ पर एंट्री टिकट 50 रुपये है। ये हडिम्बा देवी के पास का डुंगरी वन विहार है, यहाँ पर एंट्री टिकट 10 रुपये है, और कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ फ्री एंट्री है। ये जो पॉइंट है इसको हडिम्बा मंदिर का ही एक पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना इसका इतिहास है, तो पुराने समय पर यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक कुंड बना हुआ था। वन विहार में ही अंदर खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बने हुए हैं, इसमें गोलगप्पे, टिक्की, सॉफ्टी, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, मैगी और भी बहुत सारे अलग अलग आइटम्स यहाँ पर आकर आप इंजॉय कर सकते हैं। 1-2 घंटा यहाँ पर बिताइए, बहुत अच्छा लगता है। हडिम्बा मंदिर से करीब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास क्लब हाउस पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले हम एंट्री करेंगे ओल्ड मनाली में। तो फ्रेंड्स अभी मैं मौजूद हूँ फ्लाई डाइनिंग में, ओल्ड मनाली रोड पर ही ये जगह है, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आप मनाली आते हैं और फ्लाई डाइनिंग करना चाहते हैं ऊपर, वहाँ ये सब अरेंजमेंट भी यहाँ पर है, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू कर सकते हैं, आपको 10-15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके बारे में मैं आपको बताऊँ ना, इंडिया में सिर्फ 3 है, एक गोवा में है, एक नोएडा में है, और अब मनाली में भी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, अगर आप इमेजिन कीजिए आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और ठीक आपको वहाँ ऊपर 160 फीट ऊपर ले जाया जाए और वहाँ बैठ के आप फूड इंजॉय करें, तो मज़ा तो आने वाला है। तो बुकिंग कीजिए, 10-15% डिस्काउंट आपको मिलेगा, और क्या चाहिए। ये कुछ फुटेज है फ्लाई डाइनिंग की, तो कुछ इस तरह से ज़मीन से करीब 160 मीटर की ऊँचाई पर
ऐसे कुछ यूनिक तरीके से, एक एडवेंचरस तरीके से आप यहाँ पर फूड इंजॉय कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। तो आदर्श गांव ओल्ड मनाली में एंट्रीज गेट से हो जाएगी। ये रास्ता भी हडिम्बा मंदिर के लिए जाता है, अगर जाना चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं, इधर माल रोड है। तो फ्रेंड्स, ओल्ड मनाली के मेन एंट्रेंस गेट के बाहर खड़े हैं, आदर्श गांव है, यहाँ से ओल्ड मनाली में एंट्री हो जाएगी। इधर मॉल रोड है, करीब 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास, यहाँ से भी हडिम्बा मंदिर के लिए रास्ता है ऊपर वाला, और ये क्लब हाउस मनु टेंपल के लिए निकल जाएगा और ओल्ड मनाली भी। चलिए चलते हैं ओल्ड मनाली में। मनाली के टॉप 5 लोकल साइट सीन में नंबर 3 पर आता है मनाली का फेमस वन विहार। मनाली आओ, मनाली के वन विहार में घूमने ना जाओ तो फिर मनाली टूर पूरा नहीं होता। बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा वन विहार में। तो भैया, ओल्ड मनाली में एंट्री करने के बाद गेट से ठीक अंदर आए हैं और उससे लगा हुआ वन विहार है जिसमें हम लोग आ गए हैं। वन विहार एक नेशनल पार्क अलग है, ये इनका स्टेट का जो ये मनाली का वन विहार है, पार्क है एक। और मैं एक बात बताऊं, मनाली की जान है वन विहार। ये ऊंचे ऊंचे पेड़, यहाँ पर घूमना एक अलग ही मजा देता है। तो कैसा लग रहा है मनाली? बहुत गजब मजा आ रहा है। हमारे आगे से गुलदार गया था गुलदार परोस में, आगे से गया था, इनकी टांग को पकड़ के हम तेज भग गए। ये गुलदार से थोड़ा ज्यादा तेज है। गुलदार को मांस वाली टांग चाहिए, थोड़ा मांस कम है, इनमें मांस कम है इसलिए वो छोड़ के चला गया। गुलदार का बच्चा आया, उसे किंकर मार के हमने भगाया, हमने ऐसे कर लिया। तो अभी आगे इनका सामना टाइगर से होगा, उसके बाद लायन से होगा। पेड़ की ऊंचाई बताओ, नहीं कितनी हुई तेरे हिसाब से पेड़ की ऊंचाई? ऊंचाई ये ऊंचाई है इस पेड़ की अप्रोक्सीमेट 130 फीट, 100 फुट होगा ये, 130 फीट, 120-130। विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार चढ़ के देखो, चढ़ जाओ इसमें। वो ना लग रहा यार, मैं किले। वन विहार में घूम रहे हैं मनाली के, यार यहाँ ना पीस मिलता है, शांति मिलती है ऐसी जगहों पर। मॉल रोड साइड भीड़भाड़ है, मार्केट है, घूमिए, अच्छा लगता है इवनिंग में, लेकिन दोपहर को यहाँ आ जाओ और इन पेड़ों के साथ कुछ समय बिताओ, मज़ा आ जाता है। तो वन विहार से चल रहे हैं अभी आगे, कुछ और जगह घुमाएंगे आपको। ये देखिए व्यू, आप इस वक्त हम हैं ओल्ड मनाली में। ये है व्यास नदी, वहाँ कुछ कैफ़े वगैरह बने हुए हैं फूड के लिए, और ये वाला जो रोड जा रहा है ना, ये वाला, ये क्लब हाउस जाता है। बहुत सारे होटल्स वगैरह भी हैं इधर, घूमने लायक जगह है ओल्ड मनाली भी। तो अभी ना थोड़ी सी पेट पूजा करने आए हैं। क्या ले रहे हो? तो फ्रेंड्स, ओल्ड मनाली में हैं और थोड़ा खाने पीने का मन हो रहा था, पराठे लिए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड मनाली में, और ये रोड यहाँ से ओल्ड मनाली के कुछ दूसरी जगहों पर जाता है। रोड के राइट हैंड पर व्यास नदी फ्लो कर रही है, और इस व्यास नदी पर काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटी कराई जाती हैं, जैसे रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइन और बर्मा ब्रिज। आप चाहें तो वो भी आप ओल्ड मनाली आने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। सामने ये जो पॉइंट है, ये है क्लब हाउस, और इसको मैं मनाली के लोकल साइट सीन में टॉप 5 में से नंबर 2 पर रखूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्लब हाउस के बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ना, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये क्लब हाउस की पार्किंग है, वहाँ से एंट्री है। बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ हमेशा। महेश भाई, मज़ा आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया मनाली घूमने में। हाँ, ओल्ड मनाली से न्यू मनाली तो अच्छा सही था,
ओल्ड मनाली उससे भी अच्छा है। यहाँ पर थोड़ी नेचर के बहुत क्लोज हो जाओगे। हाँ, बहुत क्लोज हो जाएंगे नेचर के। वन विहार से काफ़ी नज़दीक यहाँ की होटल्स वगैरह हैं, तो रुकने में अच्छा लगता है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये क्लब हाउस का एंट्री गेट है। एडल्ट का 25 रुपये टिकट रहता है और बच्चों का 10 रुपये टिकट लेना पड़ता है। क्लब हाउस में एंट्री करते ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ से आप क्लॉथ्स की शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ आप फूड इंजॉय कर सकते हैं। कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी यहाँ पर कराई जाती हैं। भूत बंगला भी है यहाँ पर। बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले भी यहाँ पर बनाए गए हैं। व्यास नदी के किनारे यहाँ पर आप बर्मा ब्रिज इंजॉय कर सकते हैं, रिवर क्रॉसिंग इंजॉय कर सकते हैं, जिप लाइन इंजॉय कर सकते हैं। सबके चार्जेस अलग अलग रहते हैं। 500 रुपये से 1000 रुपये तक की एक्टिविटी यहाँ पर कराई जाती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटी है जो आप यहाँ पर आने के बाद इंजॉय कर सकते हैं। क्लब हाउस हिमाचल टूरिज्म की तरफ से ही चलाया जाता है। यहाँ इस कॉरिडोर में भी शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी दुकानें हैं। इसके अलावा आप काफ़ी अलग अलग इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड इंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेबल टेनिस प्ले कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। क्लब हाउस मनाली का एक बहुत फेमस प्लेस है जहाँ टूरिस्ट हमेशा आते हैं। ये जो व्यू है मैंने क्लब हाउस के सामने एक होटल की टेरिस से लिया है। ये जो पार्किंग है इसमें करीब 60-70 गाड़ियाँ आराम से पार्किंग में लग जाती हैं, और ये क्लब हाउस की पार्किंग है। तो फ्रेंड्स, ओल्ड मनाली में खड़े हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जनवरी का महीना है, एकदम जबरदस्त मौसम नज़ारा, जबरदस्त ठंड है लेकिन हल्की सी धूप निकली हुई है, तो मज़ा आ रहा है। मनाली घूमने के लिए मेरे हिसाब से शायद विंटर बेस्ट रहेगी, है ना। स्नो का भी मज़ा मिलता है और नेचर तो यहाँ का है ही लाजवाब। और अगर आप टूर बुक करते हैं हमारे जरिए तो आपको ऐसी लोकेशन में स्टे देने वाले हैं। यही पर लोकेशन इसी व्यास रिवर के साइड में जितने भी होटल्स हैं वो सब हमने अपने पैनल में शामिल किए हैं, तो आप बिल्कुल आइए और इन हसीन वादियों का लुत्फ उठाइए। देर किस बात की, बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। मोहित जी से कांटेक्ट करेंगे आप, मयंक जी से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि एमएस ब्लॉगर टूरिज्म को दोनों भाई लोग देख रहे हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग लाता रहूँगा, नई नई जगहों पर आपको घुमाता रहूँगा। ये व्यास नदी है, वो डुंगरी वन विहार है मनाली का फेमस, और रिवर साइड का व्यू मनाली का सबसे लाजवाब लगता है। इधर सब होटल्स वगैरह हैं, तो मज़ा आ रहा है ना। ये देखो हमारे एक मित्र कहाँ घूम रहे हैं। ये मनीष दीपांश सैनी है। यार मुझे मनाली में ना ओल्ड मनाली बहुत बढ़िया लगता है। नेचर के साथ रहने का ना मज़ा ही अलग है। नहीं, एक सुकून जो है ना है यहाँ पे, पीस, एक पीस है यहाँ पे। माल रोड का भी मज़ा अलग है, ठीक है। मतलब अगर ओल्ड मनाली कहेंगे तो रियल मनाली से क्या लो। हाँ, नहीं तो आर्टिफिशियल में डाल दो। देखो मनाली के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश का एक गाँव हुआ करता था, खूबसूरत गांव, इतना खूबसूरत कि लोगों ने यहाँ आना शुरू किया और फिर ये एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन बन गया। और आज कल तो आप समझ ही रहे हैं कि मनाली एकदम हाउसफुल रह रहा है, डेली हजारों लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसे में गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, फिर भी नेचर के साथ रहने का मौका हमें ओल्ड मनाली में मिल जाता है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो दो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात की जा सकती है। अगर आप पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं तो आप ओल्ड मनाली की तरफ आकर स्टे करें। आप चाहते हैं नहीं मुझे मार्केट भी घूमना है, मनाली की जो हाई फाई लाइफ है, चकाचौंध है, उसमें स्टे करना है, तो आप फिर मॉडल टाउन या फिर माल रोड के नियर बाई, दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप माल रोड साइड रुकना चाहते हैं तो वहाँ आपको स्टे दिला देंगे। अगर आप नेचर के साथ व्यास नदी के साथ ओल्ड मनाली में रहना चाहते हैं तो वहाँ भी हम आपका पैकेज बुक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत शानदार टूर रहेगा, एक बार एमएस ब्लॉगर के साथ टूर करके देखिए। और आपकी तो डिमांड थी ना, आप लोग बोलते थे कि आप टूर प्रोवाइड कराइए। आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, आपके प्यार को मद्देनज़र रखते हुए ही ये चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए हैं, और अब चाहिए कि इस टूरिंग कंपनी को भी अपने प्यार से ऊपर लेकर जाएं आप, इसे भी उतना ही प्यार मिले, उतना ही सम्मान मिले जैसे अभी तक आपने एमएस ग्लोबल यूट्यूब चैनल को दिया है। चलिए कहीं और चलते हैं फिर, अब चाय पीने के लिए रुके थे, चाय पीते हैं फिर ओल्ड मनाली के कुछ और खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे आपको। चाय का नाम लिया और चाय भी देखो हाजिर है। तो चाय आ गई है,
चाय पी लेते हैं, गरम गरम चाय की चुस्की। ये दीपांशु की चाय है, ये हमारी चाय है। चाय सुट्टा बार की चाय बढ़िया थी क्या? चाय सुट्टा बार की चाय भी, चाय सुट्टा बार की चाय बढ़िया थी। फ्लेवर वाली चाय है ना सारी, ये भी बढ़िया है, ये अपनी जगह बढ़िया है, दोनों हैं हाई लेवल पे। चाय की चुस्कियाँ कहाँ गया यार? एक्चुअली दीपांशु नाम ऐसा क्यों लिया जा रहा है, उसके पीछे के आपको कारण बताता हूँ। उसका नाम एक्चुअली मनीष है, बट दीपांशु क्या है, वो कभी कभी कुछ काम अनमेच्योर वाले कर देता है, मतलब काफ़ी अजीब से, मतलब जैसा बच्चा हो छोटा 5 साल का है, तो वो बीटेक सिविल इंजीनियर टॉपर, ब्रांच टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मजाक अपनी जगह है, लड़का बीटेक है 85% थ्रू आउट टॉपर है, ब्रांच टॉपर है, ऐसा नहीं है, तो मजाक चलता रहता है। देखिए मुझे दूर वो दिखाई भी पड़ रहा है, वो पानी ढूंढने जा रहा है। तो देखिए ये मजाक मस्ती चलती रहती है, आप लोग भी समझते होंगे, टूरिंग में ये सब ना करें तो फिर टूर में मजा नहीं आता है। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, ये सेब के पेड़ है, और ये ओल्ड मनाली में ना बहुत देखने के लिए मिलते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर में अगर आप आएंगे तो ये सेब से लदे हुए मिलेंगे, अभी तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, सूख गए हैं, लग नहीं रहा कि दोबारा कभी ठीक हो भी पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सर्दियों में ऐसे ही रहते हैं। एमएस ब्लॉगर से मनाली टूर बुक करने के आपको बहुत फायदे होंगे। एक तो आपकी जर्नी बहुत कंफर्टेबल रहेगी, बेस्ट से बेस्ट 4-स्टार होटल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो में जो आप होटल्स देख रहे हैं, जो रूम देख रहे हैं, कुछ इस तरह के रूम आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ डिलीशियस फूड भी सर्व किया जाएगा, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा सभी लोकल साइट्स को कवर कराया जाएगा, जिसमें मनाली के सारे लोकल साइट सीन, सोलांग वैली, अटल टनल, सीसू, मणिकरण, कसोल, इन सभी जगहों पर लेकर जाएंगे। और हाँ, खास बात यह है कि सारे ही साइट सीन आपको आपकी पर्सनल कैब से कराए जाएंगे। मान लीजिए आप दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए ही पर्सनल कैब हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बजट टूर से लेकर सुपर लग्जरी टूर भी अवेलेबल है, तो जैसा आपका बजट है आप उसके अकॉर्डिंग टूर बुक कर सकते हैं। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर भी आप नंबर देख रहे हैं, कॉल कीजिए, बुक कीजिए टूर और मनाली घूमने निकल जाइए, क्योंकि मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पूरे साल आप किसी भी महीने में घूमने आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आप डेफिनेटली इंजॉय ही करेंगे। और इस बात का मैं दावा करता हूँ कि हमसे सस्ता और हमसे बेस्ट टूर आपको मनाली का कोई नहीं देने वाला है। इस लिस्ट में मनाली की लोकल साइट्स में नंबर वन पर रखता हूँ मनु टेम्पल को। मनु टेम्पल को नंबर वन पर मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मनु टेम्पल ओल्ड मनाली की उन गलियों में मौजूद है जहाँ शायद सभी लोग नहीं पहुँचते हैं। उन रास्तों पर, उन गलियों में आप मनाली के उस ट्रेडिशनल कल्चर को देखेंगे, क्यों मनाली इतना खास है, आखिर वहाँ की जो रॉ चीज़ें हैं, जो ये कह लीजिए मनाली की जो कुछ पुरानी यादें हैं, वो उन रास्तों पर देखने के लिए मिलती है। मनु टेम्पल भी बहुत प्राचीन है, आप यहाँ भी जरूर आइए, बहुत अच्छा लगता है। मैं इवनिंग में यहाँ आया और यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, आप गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं, अब चाहे तो बाय वॉक भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा अनुभव रहता है। ओल्ड मनाली के पुराने पुराने घरों को देखते हुए, वहाँ का कल्चर देखते हुए, बेसिकली मनु टेम्पल ओल्ड मनाली के उस हिस्से में स्थित है जहाँ पर मनाली का रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ आसपास में ज्यादा होटल्स वगैरह नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों के घर हैं, तो उन्हें देखना, यहाँ पर कुछ होम स्टे भी हैं, उन्हें देखना एक अच्छा अनुभव देता है। इसीलिए मैंने मनु टेम्पल को नंबर वन पर रखा है, क्योंकि लोगों की भीड़ भाड़ से अलग एक ऐसा पॉइंट है जो एक अलग शांति का अनुभव देता है। तो ये सारे पॉइंट थे मनाली के वो लोकल साइट्स ही जहाँ लोग जरूर जाते हैं, और हमारे टूर पैकेज में ये सारे पॉइंट्स शामिल हैं, आप गाड़ी के थ्रू इन सभी पॉइंट्स पर घूमने जा पाएंगे। तो बुकिंग जरूर करिएगा, बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, फोन नंबर स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरी जगह आपको लेकर चलेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।